पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज श्री रामकथा मंथन समिति अग्रवाल सभा मुरादाबाद अग्रसेन संगठन अग्रवाल समाज और रोटरी क्लब की तरफ से ये संयुक्त मीटिंग रखी गई है। इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया और ये जो रामलीला ग्राउंड है लाजपत नगर का, जो शहर का दिल है, यहाँ पर आकर के सभी लोगों ने श्री भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी श्री विनोद अग्रवाल जी और जो यहाँ के जितने भी सभासद खड़े हुए हैं इस एरिए के आसपास के और हमारे यहाँ के मुकुल बंसल जी, उन सबको वोट देने की अपील की। जबकि आप सबको मालूम है कि आज दोपहर में हमारे यहाँ योगी जी पधारे थे, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी पधारे थे और उन्होंने भी पुरजोर अपील करते हुए ये कहा है कि हमें देश का विकास देखना है, अपने प्रांत का विकास देखना है, अपने शहर का विकास देखना है, ताकि ट्रिपल इंजन की जो सरकार होगी ये ऐसा काम करके दिखाएगी कि आगे आने वाले जो हमारे 25 साल हैं उसके अंदर जो भी बदलाव आएगा वो एक बहुत बड़ा 5 ट्रिलियन डॉलर का होगा, जैसे कि जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था और जो बढ़ती हुई आबादी है उसके ऊपर जो भी हमारे लिए भी आवश्यक चीज़ें अभी हमारे लिए जैसे जैसे बढ़ेंगी, जो रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए खेती कृषि के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ये आजकल जो इंडस्ट्रियल समिट भी बनी है ये सभी गवर्नमेंट ने एक पब्लिक में बदलाव लाने के लिए ये योजनाएं लाई हैं, ताकि जो आने वाला समय है वो हमारे लिए स्वर्णमय समय हो। जय हिंद, जय भारत। आज श्री रामकथा मंचन समिति, अग्रवाल सभा, महाराजा अग्रसेन समाज, महाराजा अग्रसेन संगठन व रोटरी क्लब मुरादाबाद मिड टाउन द्वारा संयुक्त रूप से हमारे मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल जी व लाजपत नगर से पार्षद प्रत्याशी मुकुल बंसल जी के समर्थन में एक सभा करी गई और सबने पूरे एकजुटता से ये डिसाइड किया कि हमें वोट जो है फूल को देकर अपने पार्षदों को जो खड़े हुए हैं बीजेपी से उनको सफल बनाना है व मेयर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल जी को जिताना है और अल्टीमेटली हमें इसका जो फ़ायदा मिलेगा वो योगी जी को और हमें अपने मोदी जी को मजबूती प्रदान करनी है फूल को वोट देके। अपील करना चाहेंगे समाज के लोगों से? मैं समाज के सभी लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फूल को वोट दें। दूसरे सभी से अनुरोध करूंगा कि आसपास आपके मोहल्ले में कोई भी जना घूमने जाने ना पाए उससे अनुरोध करें कि तुम जो है पहले वोट दो उसके बाद कहीं घूमने जाना, क्योंकि एक कहावत है, इट इज़ यूज़लेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अगर अच्छा कैंडिडेट कोई आपका नहीं आया तो 5 साल आपको फिर पछताना पड़ेगा, फिर आप उससे भूल दोबारा नहीं कुछ कर सकते, 5 साल बाद ही मौका मिलेगा आपको वोट देने का। दूसरे मैं इस और सबसे ये अनुरोध करूँगा कि अपनी फैमिली में जितने भी वोटर हैं वो वोट ज़रूर दें और अगर किसी का सदस्य कोई बाहर है कोई तो उसे बुला के बाहर से वोट ज़रूर दिलवाएँ। ऐसा भी है मुरादाबाद में कि बहुत से फैमिली दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गई हैं, जैसे शहर से बहुत सी फैमिली रामगा विहार चली गई या बुद्धि विहार चली गई, यदि उनका वोट कहीं और है, शहर में है, वहाँ पे नहीं बना है, तो जिस जगह उनका वोट है वोट जाके ज़रूर दें और आप जब वोट देंगे तभी बीजेपी और फूल को जीत मिलेगी, तभी हम सब मजबूत होंगे। आज आदर्श कॉलोनी में भातु समाज के द्वारा, आज सैनी समाज के द्वारा, आज जाट समाज के द्वारा, अग्रवाल समाज के द्वारा, विभिन्न लोगों के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है और लोगों में एक उत्साह है, लोगों में मुरादाबाद के विकास को लेकर चिंता है कि ये कार्य कहीं बीच में अधूरा ना रह जाए, तो ये चेन कड़ी जो है टूटनी नहीं चाहिए, ये कड़ी विकास की निरंतर आगे बढ़ती रहे, ऐसी सबको विश्वास और इसी कामना के साथ सब लोग मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज आपने देखा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो आज जनसभा हुई उसके अंदर अपार लोगों का अपने आप में आना एक तरीके से दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का एक अलग झुकाव है। और कल जिस तरीके की बाज़ार में व्यापारियों के द्वारा, आम जन के द्वारा जन सैलाब उमड़ा, वो भी एक तरफा एक आशीर्वाद है। मैं सबका आभारी हूँ तहे दिल से कि उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद प्रदान करा।
पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।